विहान को स्कूल से लाने का टाइम हो गया है, ये जरूरी है कवर करना। पूरे 20 मिनट पैदल चलना, मैं शॉप पे आई थी कुछ सामान लेना है और यहाँ विहान आके खड़ा हो गया है। छोटी सी दिलवाऊंगी, हट जा, ना मानेगा तू नहीं ना। ये ले ले, ये ले ले, ये ठीक है, ये अच्छी है, दिखाई कितने की है वाली। हाँ ये सही है, 5 की है, ले ले। हाँ ये वाली ले ली ना, बस होगी तेरी चॉकलेट पूरी। एक चीज लेनी, दूसरी पे आके खड़ा हो गया। होगी तेरी चीजी। वैसे गाय का कौन सा है? गाय का देख, निकाल के दिखा दो, मैं देख लूंगी, पढ़ लूंगी ना। गाय के तो ये नहीं होता, अमूल वाला गाय का, ये अमूल वाला। ये अमूल प्योर घी दिखाना, ये वाला, ये हाँ गाय का। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जा। मैं एक प्योर घी का, 1 किलो का घी का डब्बा ले रही हूँ। इसके अलावा भैया बेसन चाहिए। हाँ? बेसन, बेसन कितना? 1 पैकेट दे दो, आधा किलो दे दो। ठीक है, मुझे यही लेना था, घी और बेसन घर के लिए। और क्या लेना है? आपने बोला था ना घी लेके आना दुकान से, तो दुकान पे जाके टिकता है, वहां से ले आई घी। तो मैं लोमी रख दिया यहाँ, मैंने मम्मा को बोला था आलू गोभी की सब्जी खाने का, देख ले मम्मी बना दो, मम्मी ने बना भी दी पीछे से। इसमें सोयाबीन ऐड करी मम्मा ने। आप इतने एक्सपेरिमेंट करते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। देखना आलू गोभी की सब्जी में मम्मी ने सोयाबीन ऐड कर दी। मेरा रुखी खाने का दिन था, मैंने कहा मम्मी थोड़ी सी दे दो, मैं खाऊंगी। हाँ गम गम है बेटा, डर गया, बहुत बढ़िया मम्मी, अच्छी लग रही है। आजा बेटा रोटी खा लो। हाँ मम्मा ने बनाई ना घी लगा के, एकदम नरम नरम रोटी है, खाना खा लो। ऐसा मुझे ही लग रहा है या फिर मेरा बहम है, जैसे मैंने पहला घर लिया था ना उस टाइम मैं एकदम से बीमार पड़ गई थी, उसके बाद इस बार जब मैंने ये वाला घर लिया था ना जिसमें अभी मैं रहती हूँ, उस टाइम विहान बीमार पड़ गया था। आपको पता है कि तब से विहान की दवाइयाँ चल रही हैं। और अभी मैंने बाइक खरीदी ना, जिस दिन मैंने बाइक खरीदी उसके बाद से 3 दिन हो गए, मेरा बुखार, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी। अब हिम्मत करके थोड़ा थोड़ा रिकवर होने लगी हूँ, मेरे अंदर से एकदम वो, आप लोग कॉमेंट कर रहे हो कि ना पहले आपको थोड़ा पूजा पाठ करवाना चाहिए था बाइक का। जी मैं भी जानती हूँ, कोई भी नया व्हीकल लाया जाता है उसकी पूजा पाठ जरूर की जाती है, बट सांस ही नहीं आया। उस दिन के बाद से मेरी इतनी तबीयत बीमार हो गई थी और विहान ने पता नहीं कहाँ अब इस बाइक की ना चाबी, मतलब आप खुद सोचो कि इस बाइक को ना मैंने कवर करा था उस दिन कि बारिश वारिश आ रही है, नई बाइक है, ख़राब हो जाएगी। और उस दिन के बाद आज मैंने इसका कवर हटाया है, 2-3 दिन से देखने की भी फुर्सत नहीं मिली, इतनी बीमार हो गई। अभी मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो रखी है, अभी पापा जी भी थोड़े से ढीले ढाले ही चल रहे हैं। तो मेरा बहुत मन है, मैं ना सिर्फ रखने के लिए नहीं लेकर आई हूँ ये बाइक, मैं चलाने के लिए लाई हूँ। और आप जो कमेंट करते हो कि आपने स्कूटी क्यों नहीं खरीदी, तो देखिए मैं स्कूटी पेप लेना चाह रही थी, मैं सोच तो यही रही थी TVS स्कूटी जो है ना, जो स्कूटी पेप आती है वो ले लूँगी, बट वो आनी बंद हो गई है। आप चाहे खुद पता कर लीजिएगा, पेप और पेप प्लस जो है वो TVS ने बंद कर दी है, अब आ ही नहीं रही है मार्केट में। तो अब ये वाली मैंने इसीलिए ले ली क्योंकि उसके बाद जो हायर मॉडल जो था ना TVS का, वो 90,000 से तो शुरू है, 90-92,000, इतना महंगा है। और उस पर फिर आगे वो भी है इंस्टॉलमेंट्स पे, तो आपको पता ही है वो कम से कम 1,00,000 से भी ऊपर की पड़ जाती फिर मुझे। तो ये मेरे बजट में थी, और सबसे बड़ी चीज़ ना मैंने ये हल्की सी है तो मैं इसको आराम से चला सकती हूँ। तो मैं अभी मेरा मन था कि मैं इसको ले लूँ और चलानी शुरू कर ही दूँ। एक तो मेरा दिल ये कर रहा है कि ना
मेरे को ना स्कूटी तो मैंने एक दो बार चलाई है ना, बैलेंस बनाना मुझे आता है। और इसमें कोई गियर सिस्टम नहीं है जैसे बाइक में होता है ना कि गियर्स होते हैं, इसमें कुछ नहीं है गियर सिस्टम, इसमें तो बस रेस वाला सिस्टम है जैसे स्कूटी का है ना सिस्टम, वैसा ही सेम इसका होता है। और मुझे कोई ऐसा नहीं है, बस मुझे ज़रूरत थी, ज़रूरत और मतलब मैं चाहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, मैं अपने सारे काम खुद करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जैसे कोई भी काम हो मुझे पापा जी की तरफ, और पापा जी भी अब यहाँ नहीं रहते थे तो मैं और मम्मी हम दो ही लोग रह गए थे यहाँ पर। और कभी भी रात को कभी ज़रूरत पड़ जाए, सो ज़रूरत होती है आप भी समझ सकते हो, एक खुद का व्हीकल होना और आना चलाना भी ज़रूरी होता है। कल को आप लोग भी कमेंट करते हो कि आप आगे फ्यूचर में कार भी लीजिए, कल को एकदम से मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, कोई बात हो गई, कैसे जाएंगे हम, बताइए ना आप। खुद का व्हीकल हो तो निकाल लो। तो इसीलिए मैंने ये ले ली, मैंने कहा नहीं ज़रूरत पड़ेगी, आगे आगे धीरे धीरे चलो दीदी, तू चाहे टाइम ले ले इसको चलाना सीखने में, ये नहीं कहती कि एक दिन में आ जाएगी, तुझे महीना भी लग जाए पहले थोड़ा थोड़ा गली में चला के देख लियो, फिर थोड़ा सा बाहर लेके जाइयो, दुकान तक लेकर जाइयो, धीरे धीरे आ जाएगी, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, पूरी दुनिया चला रही है तो मैं क्यों नहीं चला सकती, आप ही बताइए ना, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं इस पे बैठ के मैं थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, मैं कहा थोड़ा सा मैं एक बार नई चीज़ आई है तो इसके साथ एक दो फ़ोटो तो होनी चाहिए ना मेरे पास याद के तौर पर कि हाँ चलो नई आई थी, ख़रीदी थी। और मैंने आई थिंक ये शुक्रवार को ख़रीदी थी, शनिवार को कहते हैं ना कि लोहा नहीं ख़रीदना चाहिए, बाकी नया लोहा तो ख़रीद सकते हैं, पुराना लोहा घर नहीं लाना चाहिए। और अभी मैं ना विहान को नहीं बैठाऊंगी जब तक मेरे को ये नहीं लगेगा ना कि मैं 100% इसे सीख नहीं गई हूँ चलाना, तब तक मैं विहान को नहीं बैठा सकती। और विहान के लिए भी देखिए अभी पहले मैं हेलमेट लेकर आऊँगी, जैसे मैं हेलमेट पहनती हूँ उसी तरीके से पता किया है मैंने, बच्चों का भी हेलमेट होता है, मैं विहान को पहनाऊँगी, सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने चलाना तो चाहती थी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो विहान ने मेरी इस बाइक की चाबी पता नहीं कहाँ रख दी है, जब से आई है मुझे नहीं पता चाबी कहाँ पर है, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ इस बाइक को आज पापा जी को कह के इधर लगवाऊंगी, ये जगह ठीक है पर धूप तो इधर भी आती है, क्या करूं। पहले मैं सही कर रही थी, ये जो छप्पर है ना मैं इसको इतना खींच रही थी तो धूप यहाँ नहीं आती मेरा दिन, फिर बस ये लगा लो, होता है ना कई बार, मैं या तो ये वाला जो चीज़ है ना इसको थोड़ा और बढ़वा के इधर बनवा दूंगी, छप्पर थोड़ा सा खिंचवा दूंगी, हाँ इतना इतना बस थोड़ा सा अटैच ही करवाना है ताकि यहाँ छाव रहे और यहाँ मैं अपनी बाइक खड़ी कर दिया करूँ, क्योंकि अंदर नहीं कर सकती हूँ, अंदर विहान गिरा लेगा अपने ऊपर। और दूसरी बात, ये जो बाइक है इसका मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं क्या चला के दिखाऊँ अभी आपको, आप ही बताइए ना, मुझे यही नहीं पता इसका क्या यूज़ है, इस बटन का यूज़ भी नहीं पता, इनका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता मुझे, ये शायद हॉर्न होगा शायद, मुझे नहीं पता, और इसका भी मतलब भी नहीं पता है मुझे, आप बताइए। ऐसे ही लेकर चली जाऊँ मैं ये बाइक, ये देखो TVS की है ये वैसे बाइक, ये आई थिंक पेट्रोल की डिग्गी है ना इसकी बाइक की, तो मैं आप ही बताइए ना मैं इस बाइक को चलाऊं कैसे, मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ ही यही है कि देखो जब आपको पता ही ना हो, ये देखना ये सारा कुछ ये इधर से ये बंद है, क्या है इसमें, है ना, कम से कम चलाए तो बंदा तब ना जब बंदे को चलानी आती हो। अब मेरे साथ वही तो बात हो रही है कि मैं इसको चलाऊं कैसे, और ये देखो यहाँ पे ना पैर रखने का तो दे रखा है, अगर हम यहाँ बैठते हैं तो यहाँ पे पैर रखने का तो है, तो ये मेरे को अच्छी लगी, मतलब इतनी भारी नहीं है ये, जैसे जो बाकी बाइक्स होती है ना जैसे यहाँ पे खड़ी भी है, ये तो बहुत भारी बाइक्स होती है, इसके कंपैरिजन में काफ़ी हल्की है, तभी तो मैंने ये ली थी कि मैं चला सकती हूँ, चला तो मैं लूँगी लेकिन यार मैं सीखूँ कैसे, आप मुझे यही तो बात बताइए ना, अपने आप कैसे सीखूँ। और इस डिक्की के अंदर क्या है, यहाँ पे एक और लगा हुआ है मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं अभी परेशान होती हूँ, गर्मी में जाना पड़ता है, अब तो बाइक भी है हमारे पास फिर भी। आज मेरी मम्मी के साथ मेरी थोड़ी सी बहसबाजी होगी, बात सुनिएगा क्या हुई, हुआ क्या आपको भी पता है, मैं सुबह 6:30 बजे की उठी हुई और विहान को जब स्कूल से लेने गई पूरा 1 घंटा से भी ज्यादा मैं पैदल चली हूँ, लगातार आना जाना करना है ना, बहुत दूर हो जाता है ऐसे पैदल, मेरे घुटने एकदम से दर्द कर रहे थे, थकी आई घर आई तो देखा कि लाइट गई हुई, इन्वर्टर मतलब इन्वर्टर है, इन्वर्टर चल रहा है लेकिन लाइट ही डिम थी, पीछे से ना पंखा भी नहीं चल रहा था, इतना धीरे धीरे चल रहा, थकी आई हारी आई मैं बैठी, बैठने के बाद देखो
मम्मी ने मेरा हेल्प करी, देखो कितनी मदद कर दी, आलू गोभी की सब्जी बना दी, पराठा भी बना दी, रोटी बना दी थी तो मैंने भी खा ली। तो मेरे बस मम्मी को कहा, मम्मी विहान को आप खिला दो रोटी, मैं इतनी थकी हुई हूँ ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं। मम्मी बोलती तेरे से ज्यादा मैं थकी हुई हूँ। तो ये बात हो गई। इस बात पे फिर हमारी मम्मी, मैंने कहा मम्मी प्लीज 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 खिला दो खिला दो खिला दो, रोटी खिला दो ना विहान को, अपने हाथ से खिला दो। मम्मी बोलते मैंने बना दी, अब अपने आप खिला दे तू, ठीक है, मैं भी थकी हुई हूँ। मैंने कहा मम्मी मैं भी थकी हुई हूँ, मैं गर्मी में, क्योंकि इतनी तेज गर्मी, लू चल रही है दोपहर की गर्मी, और मैं भी कितना आना जाना बहुत दूर पड़ जाता है यार, एक घंटा लगातार इतनी गंदे वाली गर्मी में पैदल चलना आसान नहीं होता, घुटने दर्द करते हैं, ठीक है। तो ये बात थी। फिर मम्मी रूस के दूसरे कमरे में बैठ गए, फिर मजबूरन आखिरी में जाके मुझे ही विहान को रोटी खिलानी पड़ी। और मैं मम्मी को बोलती विहान ने एक रोटी खा ली, अच्छे से खाई पूरी पेट भर के, जब से स्कूल जाने लगा है ना विहान की ईटिंग हैबिट्स में सुधार मुझे खुद दिख रहा है, क्योंकि अब वो वहां बच्चों के साथ बैठ के खाता है। पहले मेरी कंप्लेंट होती थी ये रोटी नहीं खाता, अभी रोटी खा रहा है, अब स्कूल से भी ना कहते, आधी रोटी भी खा लेता है घर आके, वजह से आधी, तो ये रोटी पहले रोटी खा छूता भी नहीं था, अब थोड़ा धीरे धीरे मुझे खुशी है इस चीज की, मैं चाहती थी बच्चा कुछ सीखे, वो सीख रहा है, इंप्रूवमेंट आ रही है बच्चे में। तो अब मेरी आगे बात सुनिएगा। फिर मैंने मम्मी को कहा मम्मी मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं विहान की या तो मैं कैब करवा देती हूँ, ज्यादा नहीं 800 रुपए है, देखो 800 रुपए में लेके भी जाएंगे घर से, छोड़ के भी जाएंगे घर पे, ठीक है। और मुझे तो ठीक लगा, क्योंकि मैं तो वहां गई हूँ इतने 15 दिन से स्कूल जा रही हूँ, तो मैंने देखा है कि कैब ऐसे ही सड़क के बाहर नहीं खोलते, उसको पहले स्कूल के अंदर लेते हैं, गेट बंद करते हैं, फिर बच्चों को निकाल के अंदर क्लास में लेके जाते हैं। तो मुझे तो ठीक लगा कैब वाला सिस्टम। मम्मी अभी तक, मतलब मेरे को भी थोड़ा डर तो लगता ही है, सोच के देखिए ना, एक तो होता है बच्चे को अंदर क्लास तक छोड़ के आऊं, तो मम्मी मना कर रहे, बोलते नहीं तो खुद लेना जा छोड़ना कर। मैंने कहा मैं लेने छोड़ना करूंगी तो मैं फिर इस पे बाइक पे बैठा के लेके जाया करूंगी। विहान को आगे बैठा लिया, या तो बाइक या फिर कैब, आप इनमें से कोई एक साधन चुन लीजिए, या तो स्कूल की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन कर देती हूँ मैं, या फिर बाइक पे, क्योंकि पैदल ना मेरा रोज का 2.5-2.5 घंटे पैदल चलना, वो भी गर्मी में, सुबह मेरे मैं भी थक जाती हूँ ना, आप समझिए, और भी 10 काम होते हैं। मैं कहती मम्मी टाइम ही बचेगा मेरे, 2 घंटे रोज मैं पैदल चल रही हूँ इस टाइम विहान को स्कूल लाने ले जाने में, क्योंकि विहान को स्कूल छोड़ना, मेरा वापिस घर आना एक चक्कर, फिर दोबारा स्कूल जाना, छोड़ना से लेने जाना, फिर वापिस आना, मेरे तो 4 चक्कर हो जाते हैं आने जाने के, और उसमें पूरा मेरा तो 2 घंटे से ज्यादा लग जाता है, वो भी सिर्फ पैदल पैदल चलने में। तो इतना टाइम अब मेरा बच जाएगा, 2 घंटे दो, और उसके बाद आके थक भी जाती हूँ, तो वो टाइम मैं अपना काम को दे सकती हूँ, और मैं ट्रांसपोर्टेशन लगा लेती हूँ, अदरवाइज मैं फिर ये बाइक पे टाइम बचेगा, बाइक पे तो 2 मिनट लगेंगे, क्या है बैठाया विहान को छोड़ाई। मम्मी बोलती देखो बाइक कहाँ चलानी आती है, ये है वो है, तो ये बात तो सच है, मुझे कहाँ आती है। तो ये इस बारे में बातचीत हो रही थी। तो देखो यार मेरे साथ दिक्कत ये है कि हमारे घर में कोई भी नहीं है इस टाइम एट प्रेजेंट जो बाइक चलाना हमें सिखा सके, ले तो ली मैंने। अब देखो आपको भी पता है मेरे भाई लोग भी यहाँ नहीं रहते हैं, है ना, हिसार में तो कोई नहीं रहता, और साथ में मेरे पापा जी भी, अब शायद वो आज चले जाएंगे या कल चले जाएंगे, वो उनको भी टाइम नहीं लगा कि वो मुझे सिखा दे। तो मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा इस बाइक को, वैसे तो आसान है चलानी, मैं सोच रही हूँ आज बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिसने कभी बाइक ना चलाई हो, स्कूटी एक बार चलाई थी आज से 2-3 साल पहले, मैंने वीडियो भी बनाया था, मैंने 2.5 साल पहले स्टार्टिंग में जब पापा पीछे बैठे हुए थे तब मैंने चलाई थी, क्या मैं खाली यूट्यूब पे वीडियो देख के बाइक चलाना सीख सकती हूँ? मुझे तो लग रहा है मैं सीख जाऊंगी, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता इसमें कौन सा बटन होता है क्या नहीं, पर मैं सोच रही हूँ 1-2 वीडियो देखूंगी, मतलब आधा एक घंटा थोड़ा सा वीडियो वगैरह देख के फिर मैं चला ही लूंगी बाइक, और एक बार चला ली तो फिर मैं रुकूंगी नहीं, फिर मैं चलाना आना जाना कर लूंगी। पर डर ये लगता है कहीं बाइक एक बार भी मुझसे गिर गई या कुछ दिक्कत आ गई ना, फिर घर वाले मेरे साथ कलेश कर देंगे गंदे वाला, फिर मुझे चलाने भी नहीं देंगे, अगर पता चल गया कि हाँ मेरा कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो बाइक ही छीन लेंगे मेरे से, दो चाबी कि जा तू पैदल ही घूम, है ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा चाहती हूँ मैं थोड़ा ठीक से चलाऊं, तो वही है, अगर मतलब मेरे को गाइडेंस नहीं मिल रही है, अगर गाइडेंस मिले, अगर कोई मुझे 1-2 घंटे भी सिखा देना ये वाली बाइक, मैं चलानी सीख जाऊं अपने आप, आ जाए मुझे समझ में, लेकिन मुझे लगता है मुझे फिर यूट्यूब पे वीडियोज देख देख के सीखना पड़ेगा, है ना। चलो देखते हैं जैसे भी होगा मैनेज करूंगी, जब तक नहीं हो रहा मैनेज तब तक तो मुझे खुद ही पैदल ही जाना पड़ेगा, और क्या है, है ना, करते हैं थोड़ा दिन और, जब तक इतना इंतजार किया तो 10 दिन और सही, है ना। तो इस वीडियो को चलो एंड कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।